आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। सहरोज जिला जेल में बंद एक सजा याफ्ता दंपति कैदी की 4 वर्षीय बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई है। माता पिता के साथ जेल में रहने वाले बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर उसे उपचार के लिए जेल से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक शहडोल जेल में रघुनाथ जाटव और उसकी पत्नी पूजा सिंह एक मामले में 7 साल की सजा जिला जेल शहडोल में काट रहे हैं। बताया गया कि जेल के अंदर 4 साल का बेटा कृष भी उनके साथ रहता था। 23 दिसंबर को बच्चे की अचानक तबीयत बिगड़ गई और 24 दिसंबर की शाम करीब 4:30 बजे बच्चे ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बच्चे के मौत की खबर मिलने के बाद पुलिस ने 25 दिसंबर की सुबह बच्चे के शव का पंचनामा न्यायिक अभिरक्षा और पिता रघुनाथ की मौजूदगी में तैयार किया। मामले को देखते हुए न्यायालय ने पीएम के लिए 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम गठित की, जिसके बाद मंगलवार की सुबह शव का पीएम कराया गया और शव को रिश्तेदारों को सौंप दिया गया है। बताया गया कि रघुनाथ जाटव की पत्नी और बच्चे को 18 दिसंबर को जिला जेल में दाखिल कराया गया था, जिसके ठीक 5 दिन बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। बता दें कि रघुनाथ जाटव निवासी रामपुर बंधिया जिला विदिशा को 2021 के किसी मामले में 7 साल की सजा हो गई, जिसके बाद वह शहडोल जिला जेल में बंद है। हालांकि बच्चे की मौत के कारणों का भी खुलासा नहीं हो सका है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल इस मामले में सहायक जिला जेल अधीक्षक गणेश सिंह ने बताया कि बच्चे के सिर में तकलीफ थी, जिसका सीटी स्कैन भी कराया गया। मामले में पुलिस ने शव का पीएम कराने के बाद मर्ग कायम कर आगे की जांच शुरू कर दी है। हाँ जी सर, बस।